अच्छा गाइस, जो फॉन्ट डेफिनेशन है, बेसिकली इस टैग को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम स्पेसिफाई करें फॉन्ट की साइज को, फॉन्ट की कलर को, एंड फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट को, मीन उसका जो स्टाइल है, या इसे जो है ना हम फेस भी कह सकते हैं, ठीक है, उसे मतलब टाइम रोमन है, एरियल है, कैलिब्री है, इस तरह, और जिस तरह गौतम भी है इसमें, एंड काफी डिफरेंट 100 ऑफ स्टाइल्स मेरे ख्याल में है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने फॉन्ट की स्टाइल के लिए। अच्छा, तो एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स अलाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ द साइज, कलर एंड फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट इट इनक्लोजेस, इट चेंजेस द अपीयरेंस और फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट इन योर वेब पेज, ठीक है, इसकी वजह से जो चेंजेस होती हैं या जो अपीयरेंस या फॉर्मेट होता है वो जो है आप फॉन्ट की वजह से जो है ना चेंज कर सकते हैं। हम बेसिकली फॉर्मेट क्या यूज करते हैं, फॉन्ट टू फॉन्ट, ठीक है, टेक इसके दरमियान जो भी मटेरियल आ जाता है वो बेसिकली उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बट फॉन्ट जो है लिखना सिर्फ वो एनफ नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 एट्रीब्यूट्स है, साइज, कलर एंड फॉन्ट, अगर हम वो यूज करेंगे तो तब जाके जो है आपके फॉन्ट में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एट्रीब्यूट्स में देख, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉन्ट टैग में, तो साइज है, साइज जो है आप 1 to 7 दे सकते हैं, जबकि 1 जो है वो बींग द स्मॉलेस्ट साइज है एंड 7 बींग द लार्जेस्ट। नोट, यहाँ पे आप लोगों ने ये करनी है कि ये साइज जो है बेसिकली फॉन्ट साइज से, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं 7, 8, 9, 10 या 15 या 14, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, मे बी यहाँ पे जो हम 7 यूज कर रहे हो वहां पे 20, 40 या 50 में हो, ठीक है। अच्छा, कलर है इसमें जो है ना, बेसिकली हम फॉन्ट साइज को जो है ना कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और फेस में जो है ना हम कौन से स्टाइल में, न्यू टाइम रोमन में, कॉमिक सेंस या इम्पैक्ट वगैरह कौन सा हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ डिफरेंट कलर्स हैं फॉन्ट साइज के, जो कि आप इस नेम से ब्लू, वायलेट, ब्लू, ब्राउन, ये सारे जो है ना आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट के लिए वाइल डेवलपिंग योर वेब पेज। ये जो है ना एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी हुई है जो कि आप नोटपैड में यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम्पल जाके आप लोग अपने उस पे देख सकते हैं, क्या कहते हैं, वेब पेज पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली, एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैराग्राफ है उसे सेंटर में रखा हुआ है, ये अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर में है, ठीक है। फिर मैंने जो है ना यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया हुआ है, दैट इंग्लिश इज वेस्ट जर्मन लैंग्वेज फर्स्ट स्पोकन इन अर्ली मेडिवल इंग्लैंड विच हैज इवेंचुअली बिकम द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ। अच्छा, ये मैंने लिया हुआ है, जस्ट मैंने यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज किया हुआ है। इसका सारा कमाल जो है आप लोगों ने स्टार्ट में करना होता है, आपने फॉन्ट की साइज क्या रखनी होनी होती है, ठीक है, तो साइज मैंने 5 रखा हुआ है। आपने कलर क्या रखना होता है फेस का, वो मैंने रेड रखा हुआ है, एंड फेस आप लोगों ने क्या रखना हो, न्यू टाइम रोमन या कैलिब्री या एरियल जो भी है, ठीक है, सिंपली सेव इट, और आप ये देखें यहाँ पे फॉन्ट मैंने किया हुआ है, तो ये देखें वो पैराग्राफ जो है बिल्कुल उसमें आ गया है, मिड में, ठीक है, सेंटर में। कलर मैंने जो है ना फॉन्ट का रेड रखा हुआ था। अच्छा, मैंने जो वो थे, क्या कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल था वो न्यू टाइम रोमन रखा हुआ था, और जो साइज था वो मैंने 5 रखा हुआ था। तो ये था आपका फॉन्ट, लेट आप कैसे वेब पेज के फॉन्ट को वो कंट्रोल करते हैं या इफेक्ट उसमें डालते हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से आपकी वेब पेज की खूबसूरती आ सकती है, ठीक है। तो ये था आपके वीक 6 के लेक्चर्स। होप सो आप लोग की जो है, आप लोग को वीक 5 की एंड वीक 6 की कंप्लीटली समझ आई होगी ड्यू टू प्रैक्टिकल वर्क।